सिर्फ दो बार लगा लो आपके जिद्दी दांत खाज खुजली की परेशानी। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा नुस्खा लेके आऊँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जिद्दी दांत खाज खुजली की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दांत खाज खुजली की परेशानी आज की डेट में हर एक मौसम में देखी जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मियों में अधिक पसीना आने की वजह से हमारे खराश होती है और उसी की वजह से हमारे फंगल इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दूसरा, सर्दियों में अधिक मात्रा में आधे गीले सूखे कपड़े पहनना, जिसकी वजह से हमारे गुप्त अंगों पे गंदे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उसी की वजह से हमारे गुप्त अंगों पे फंगल इन्फेक्शन की समस्या उपलब्ध होने लगती है। दूसरा कारण होता है शरीर के अंदर अच्छे प्रकार से ब्लड का संचार ना होना। मतलब कि दोस्तों, जो लोग जूते टाइट पहनते हैं उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ब्लड का संचार नहीं हो पाता और उसी की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन की समस्या उपलब्ध होने लगती है। तीसरा कारण तो है प्री डायबिटिक होना। मतलब कि दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका इंसुलिन स्पाइक होता है और उसी की वजह से उनके पूरे शरीर के किसी भी पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की उम्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले क्लीन कटोरी। और दोस्तों, जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज़ है क्या और आपको कितना इसको इस्तेमाल में लेना है। तो अब आपको सबसे पहले एक क्लीन कटोरी लेनी है कुछ इस प्रकार से, और आपको इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये दोस्तों आपको ले लेना है एक चम्मच के तकरीबन। यह दोस्तों नींबू का जूस। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को परखता है, साथ ही साथ दोस्तों ये आपके फंगल इन्फेक्शन से तो निजात दिलाता है और आपकी स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन पे गंदे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार गिरा देता है। तो आपको करना है कि आपको एक चम्मच के तकरीबन ये नींबू का जूस ले लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये दोस्तों आपको सिर्फ एक चम्मच के तकरीबन लेना है। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है और ये आपकी स्किन पे जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार गिराता है और कभी भी आने नहीं देता है। और ये आपके फंगल इन्फेक्शन की स्किन को साफ करता है और आपके फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर साबित रहता है। तो आपको ले लेना है ये एक चम्मच के तकरीबन। ये वैसे नीम के बेर का जूस है तो आपको भी नीम के बेर का जूस यूज़ करना है। अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट लेना है वो है दोस्तों हमारा ये दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लेना है, ध्यान से देखिएगा, इतनी सी मात्रा में लेना है। दोस्तों, इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये दोस्तों इतना कारगर है, इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपकी पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये आपको ले लेना है बोरिक एसिड का पाउडर। तो आपको इसको इसके अंदर मिला लेना है और आपको इसे कुछ इस तरह से रुई की सहायता से या अपने साफ हाथ से इसे लगा लेना है अपने फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया पे। कुछ इस तरह से आपको इसे लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इसे पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देना है और सुबह उठते के साथ ही आपको साफ कर लेना है। आपको इस नुस्खे को लगभग एक सप्ताह तक करना है। एक सप्ताह कर लेने के साथ ही आप देखेंगे आपके जिद्दी दांत खाज खुजली की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स या मित्र इस परेशानी से जूझ रहा हो उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। धन्यवाद।